ये है स्विफ्ट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ZXI प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, ट्रांसमिशन का और गियर का ही फ़र्क आएगा। बाकी इसको मैनुअल ट्रांसमिशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके प्राइस से इसका मैनुअल ट्रांसमिशन ही कंपेयर होगा। ये है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अगर इन दोनों गाड़ियों के अंदर में प्राइस डिफरेंस देखोगे तो लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये का था आपका। गुड़गांव हरियाणा में ये कॉस्ट करती है 9,98,000 रुपीज़ और ये कॉस्ट करती है 9,50,000 रुपीज़ या लगभग 55,000 रुपीज़ गुड़गांव हरियाणा में कॉस्ट करती है। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप इतना बजट लेकर चल रहे हो मार्केट में तो आपको इन दोनों गाड़ियों के अंदर से कौन सी परचेज करनी चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन मिलेगा 1.2 लीटर का ड्यूएल जेट वाला और इसके अंदर में ड्यूएल जेट के साथ साथ में 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिल जाएगा। पर इसके अंदर में CNG मिल जाएगी, फ्रोंक्स के अंदर में अभी CNG नहीं मिलेगी आप लोग को। सबसे पहले ना आप इन दोनों गाड़ियों की की देखो, ये है फ्रोंक्स की, सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का ही स्विच मिलता है। जैसे मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा 2 बार आवाज करेगी, लॉक करने पर ये 1 बार आवाज करेगी। और ये है अपनी स्विफ्ट की, इसके अंदर भी लॉक एंड अनलॉक का स्विच मिलता है पर ये आपकी स्मार्ट वाली की मिल जाती है, यानी कि आपको इसके अंदर में कीलेस एंट्री मिल जाती है। अनलॉक करने पर 2 बार आवाज है और लॉक करने पर 1 बार ही आवाज करेगी और जो इसके ORVMs हैं वो फोल्ड हो जाएंगे। पर ये चीज ना आपको इस फ्रोंक्स के अंदर में नहीं मिलती है। जैसे आप इस गाड़ी के ORVMs देखोगे ना फ्रोंक्स के, तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाते हैं और सेम ही चीज आपको इस स्विफ्ट के अंदर मिल जाती है। पर लॉक करने पर भाई ये चीज इसके अंदर में फोल्ड हो जाती है। अब फ्रोंक्स के अंदर देखो, यहाँ पे आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती है बट गाड़ी के अंदर में फॉग लाइट्स नहीं आती है और जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको LED के साथ मिल जाते हैं जो कि ड्यूएल फंक्शन वाले हैं, DRLs का भी ये काम करते हैं। स्विफ्ट के अंदर क्या है, जो गाड़ी की हेडलाइट है ये प्रोजेक्टर मिलती है बट ये यहाँ पे LED में आ जाती है, बट जो इसके इंडिकेटर्स हैं हेलोजन बल्ब के साथ में और जो गाड़ी की फॉग लाइट है ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिल जाती है। भाई लुक वाइज जैसे देखोगे टॉप ले रहे हैं तो टॉप में तो ये गाड़ी बिल्कुल बढ़िया सी लगती है पर इस नीचे वाले जो वेरिएंट आते हैं वहाँ पे इस गाड़ी की लुक इतनी अच्छी नहीं लगती है। अब फ्रोंक्स क्या है, ये नई आई है मार्केट में जो कि इस गाड़ी की लुक है ना भाई काफ़ी बढ़िया सी लगती है। डायमेंशंस में देखोगे लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, वो सारी चीज़ें आपको इस फ्रोंक्स के अंदर ही ज़्यादा मिलती है और जो व्हील बेस है वो भी इस फ्रोंक्स के अंदर ही ज़्यादा मिलता है। तो सेकेंड रो में जो नी रूम और लेग रूम रहेगा वो भी फ्रोंक्स के अंदर ही ज़्यादा बेटर आप लोग को मिल जाता है। भाई जो ये ब्रेज है ना इसके अंदर क्या है, जैसे आप ये क्रोम देख रहे हो ये नहीं आता है और विंडो के नीचे ना मतलब कोई क्रोम नहीं आता है। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड और इसकी टेलीगेट में। 37 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। माइक्रो टाइप यहाँ पे एंटीन आता है, फिलहाल में भाई टूटा हुआ टेस्ट व्हीकल है ना तोड़ दाड़ दिया। इसके अंदर में कोई आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती है पर जो ये फ्रोंक्स है यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं प्लास्टिक की अनपेंटेड और यहाँ पे शार्क फिन का एंटीन गाड़ी के अंदर में आ जाता है। विंडो के नीचे कोई क्रोम लाइन नहीं मिलेगा, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर ही मिल जाएंगे पर यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आएगा गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। बैक प्रोफाइल में देखोगे तो जो ये स्विफ्ट है यहाँ पे आपको डिफोगर और वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। LED टेल लाइट्स भी आ जाएंगी, कैमरा भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा और जो पार्किंग सेंसर है वो भी आपको इस स्विफ्ट के अंदर में मिल जाएंगे। और जो ये फ्रोंक्स है इसके अंदर में सिर्फ आपको डिफोगर ही मिलेगा पर वाइपर जो है इस गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा। पीछे की तरफ में आपको सिर्फ पार्किंग सेंसर ही मिलेंगे पर कैमरा जो है इस गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा। सबसे पहले बूट में देखो आप, मैग्नेटिक स्विच फ्रोंक्स के अंदर मिल जाता है। 308 लीटर का गाड़ी के अंदर में बूट स्पेस आता है, पार्शियल ट्रे मिल जाती है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आ जाते हैं, 60-40 स्प्लिट सीटें भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है पर कोई बूट लैंप जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते हैं। और जो गाड़ी का स्पेयर व्हील है यहाँ पे मिलता है 195/60R 16 इंच का। स्विफ्ट के अंदर में जो बूट स्पेस आता है 268 लीटर का आता है और यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीटें मिल जाती है, पार्शियल ट्रे भी इस गाड़ी के अंदर में आ जाती है और यहाँ पे बहुत सारे कागज से मिल जाएंगे। टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो इनको भाई यूँ यूज करते हैं। ओ भाई साहब इसके अंदर जो स्पेयर व्हील नहीं यार, स्पेयर व्हील नहीं है, ये स्पेयर व्हील नहीं है, इसका जो एक टायर है वो निकाल रखा है। वो स्पेयर व्हील दिखाता हूँ कि कहाँ पे लगा हुआ है। लोडिंग लिप इसके अंदर भी ज़्यादा मिलता है और जो बूट स्पेस है ना वो भी फ्रोंक्स के अंदर ही ज़्यादा मिलता है। स्पेयर व्हील लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसका जो सेक्शन है 165/80R 14 इंच का। भाई सेक्शन डायमीटर भी इसका छोटा हो गया और जो टायर की चौड़ाई है वो भी इसके अंदर में छोटी हो चुकी है। पर जो ये वाली चीज़ है ये इसके अंदर
में ज्यादा मिल जाती है। टायर्स मिलते हैं 185, 65 और 15 इंच के मिलते हैं, पर यहाँ पे आपके आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। अब जो टायर की चौड़ाई है वो भी यहाँ पे कम हो चुकी है, पर जो ये वाला एरिया है ये यहाँ स्विफ्ट के अंदर में ज्यादा मिल जाता है, और जो डायमीटर है वो भी आपको स्विफ्ट के अंदर में 1 इंच कम मिलता है। और फ्रोंक्स में देखो भाई, यहाँ पे मिलता है 195, 60 और 16 इंच का। अब ना आपको इस स्विफ्ट के अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे चारों पावर विंडो इस गाड़ी के अंदर में आ जाती हैं, और इस गाड़ी के अंदर में क्या है आपको स्पीकर और ट्विटर्स दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आप ये चीज़ देख रहे हो ना कि लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री, ये इस गाड़ी के अंदर में एक्सेसरीज में लगी हुई है, बट इस गाड़ी के अंदर में क्या है आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी यहाँ पे मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर में देखोगे तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है, आइडल इंजन ऑन ऑफ का मिल जाता है, पर ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इस गाड़ी के अंदर में नहीं आता है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है, और ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी के अंदर में आपको मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल वही यहाँ पे आ जाता है, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल से दोनों गाड़ियों में के अंदर आ जाते थे, और यहाँ पे क्या है आपको ऑटो हेडलैम्प मिल जाती है, बट ऑटो वाइपर जो है इस गाड़ी के अंदर में नहीं आता है। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, बट जो इसके बीच में डिस्प्ले दी गई है ये आपको कलरफुल वाली मिल जाती है। और इसके अंदर में ना आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पे शो करता है। ये देखो आपको फ्यूल का मिल जाता है था, अबे हो जा यार, ये देखो ये पे आपको यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर दे रखा है फ्यूल का, और ये भी फ्यूल के लिए दे रखा है। ये आपका ड्राइविंग टाइम दे रखा है, ये आइडियल स्टॉप टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, मतलब यूं ही है। इसके अंदर कलरफुल डिस्प्ले यहाँ पे गाड़ी के अंदर में मिल जाती है, टच स्क्रीन डिस्प्ले भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है, पर ये पुरानी वाली इसके अंदर में मिलती है, जो कि थीम है आपको पुरानी वाली आती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर में आ जाता है, USB और ऑक्स दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, और 12 वोल्ट का शॉक किट भी यहाँ पे आ जाता है। दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं। गियर नॉब देखने में जो फ्रोंक्स है उसी का ही ज़्यादा बेटर था। अब ये भाई मतलब सेम सा ही है, थोड़ा सा क्रोम का ही डिफरेंस है। आर्म रेस्ट देख रहे हो ना, ये इस गाड़ी के अंदर में एक्सेसरीज में लगा हुआ है। IRVM मैनुअल डे नाइट के मिलते हैं। आगे की तरफ में यहाँ पे रीडिंग लैंप भी मिल जाती है, बट यहाँ सेंटर में कोई आपको रीडिंग लैंप नहीं मिलती है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर मिल जाते हैं, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। अब भाई विजिबिलिटी की बात आती है, देखो इस गाड़ी के अंदर में हाइट एडजस्टेबल सीट है ना, तो यहाँ से ज़्यादा कमांडिंग सी पोजिशन आती है, पर फ्रोंक्स के अंदर बैठने के बाद थोड़ा ये महसूस हो रहा था कि उस गाड़ी की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। अंदर से बैठने में यूं है जो कैबिन है उस गाड़ी का ज्यादा खुला खुला सा महसूस हो रहा था, इस गाड़ी में यूं है थोड़ा सा भीड़ा सा महसूस हो रहा है। बाकी साइड विंडो से और बात कीजिए ना, अगर सीट को मैं ऊपर ही कर लेता हूं, साइड विंडो से भाई ठीक व्यू है, ORVM से ठीक व्यू है, पर जो इसका ग्लास एरिया है ये मुझे कहीं हद तक थोड़ा छोटा लग रहा है। इसके अंदर क्या है यहाँ पे आपको क्रोम के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। अब एक चीज देखना, जैसे इसके ड्राइवर वाली सीट में 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली ना, ये देखो इसके अंदर जो सेकंड रो के डोर हैंडल्स मिलते हैं ये आपको कुछ इसी तरीके के मिलते हैं। उसके अंदर क्या है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ में आ जाते हैं, पीछे स्पीकर मिल जाएगा, पावर विंडो का स्विच भी यहाँ पे आ जाएगा, और इस गाड़ी के अंदर में आपको सिर्फ 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। आर्म रेस्ट जो है ना वो आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर में नहीं आता है, और सेंटर वाले के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। अब देखो 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के बाद भी इतना सा ही गैप बच रहा है। फ्रोंक्स के अंदर क्या था, मतलब ऑल द वे सीट बैक हो गई थी, फिर भी इतना ही गैप बच रहा था। अगर वहाँ 6 फुट में कर देता मैं फ्रोंक्स के अंदर में, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नीरूम और लेगरूम बचता। बाकी जो अंडर थाई स्पोर्ट है, जो रैकलाइनिंग एंगल है, वो दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम से मिलता है। इस गाड़ी के अंदर में पीछे कोई आपको एयर वेंट, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, ये तो इसके अंदर में एक्सेसरीज में लगा हुआ है। अब जो स्विफ्ट है ना यार, ये अपडेट सा मांग रही है, इस गाड़ी को अपडेट होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और स्विफ्ट का पीछे से कुछ ऐसे लगता है इंटीरियर्स देखने में। अब ना फ्रोंक्स के अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाती है, और इतना जो पार्ट है ये फैब्रिक के अंदर मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर में 4 स्पीकर्स आ जाएंगे, और ट्विटर्स जो है नहीं आएंगे। तो अनपेंटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट आपको इस वाले वेरियंट के अंदर नहीं मिलती है। फर्स्ट रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, और जैसे ये चीज़ देखो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, आइडल इंजन ऑन ऑफ और लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल मिल जाएगा। गाड़ी क्या है आपको की लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी, कीलेस वाली चीज़ इस वाले वेरियंट के अंदर नहीं आती है। और जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ये फ्लैट बॉटम आता है, म्यूजिक सिस्टम के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प भी गाड़ी में आ जाती है, बट ऑटो वाइपर जो है गाड़ी में नहीं आते हैं। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें एनालॉग के अंदर मिल जाती है, और इन्फॉर्मेशन वही है, बिल्कुल नॉर्मल सी ही इसके अंदर में शो करता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले गाड़ी के अंदर में आ जाती है, बट कैमरा नहीं आता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है। यहाँ पे भाई आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, USB आ जाएगी, 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाएगा, 2 ग्लास होल्डर आ जाएंगे। पर
जो आर्म रेस्ट है वो आपको इस गाड़ी के अंदर में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर टाइप की सी फिनिश भी आ जाएगी। अब जैसे इसका इंटीरियर्स देखोगे ना तो आपको कई फिनिश मिल जाएगी, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, मतलब पर्पल, कौन सा कलर है ये, मैरून सा कलर मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स भी है बिल्कुल सेम से साइज का सही मिलता है। मतलब मारुति गाड़ियों के ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के अंदर में सेम से साइज का ही आते हैं। IRVM मैनुअल में आ जाएगा। यहाँ आगे की तरफ में रीडिंग लैंप्स भी मिल जाएंगी और यहाँ सेंटर में भी क्या है, रीडिंग लैंप्स गाड़ी के अंदर में आ जाएगी। अब विजिबिलिटी की बात करते हैं भाई, तो जो ये गैप है ये दिक्कत करता है। हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है इस गाड़ी में, तो हल्का सा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं डैशबोर्ड के लेवल से बैठा हूँ। इससे मतलब यूँ नहीं है कि ऊपर बैठा हूँ तो ज़्यादा कमांडिंग सी पोजिशन आ जाए। अब साइड विंडो से बात की जाए तो जो ये वाला पोर्शन है, मतलब यूँ है लेवल से बैठा हूँ, साइड ORVM में से बिल्कुल ठीक सा व्यू इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है। अब सेकंड रो में दिखाता हूँ भाई कैसा क्या कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर मिलता है। इस गाड़ी में ना ये सबसे बढ़िया बात है, अगर इस सीट को मैं ऑल द वे बैक भी कर दूंगा ना तो भी इसके सेकंड रो में आप एक चीज देखना, 6 फुट के अकॉर्डिंग तो है ही बढ़िया। अब ऑल द वे बैक कर दी ना तो भी भाई यहाँ पे देखो बिल्कुल बढ़िया सा नी रूम और लेग रूम मिल जाता है। मतलब बढ़िया से नहीं, यूं है गाड़ी के अंदर में बैठ सकते हैं, वो आपको बैठ के दिखाऊंगा। यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और बीच वाले के लिए भी क्या है, आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट इस गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। अब एक चीज देखो, ऑल द वे बैक है तो नी रूम में क्या है, आपको 2 उंगली जितना गैप है, लेग रूम भी है ठीक ठाक सा मिल जाता है। अगर यही चीज 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए तो आप देखो कितना बढ़िया से इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। पर यहाँ पीछे की तरफ में कोई आपको एयर के वेंट्स नहीं मिलते हैं, 12 वोल्ट का शॉक किट जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। जो ये स्विफ्ट है इसके अंदर भी 1.2 लीटर का ड्यूएल जेट वाला इंजन लगा हुआ है जो कि 89 BHP और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। भाई इसके अंदर भी सेम इंजन है और जो फ्रोंक्स है इसके अंदर में भी सेम ही इंजन लगा हुआ है। जो माइलेज है दोनों ही गाड़ियों की ऑलमोस्ट आपको सेम सी ही मिल जाएगी। अब बात आती है भाई आपको कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए। देखो स्विफ्ट है ना, अब ये थोड़ी आउटडेटेड सी हो गई, इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह हैं वो अब थोड़े आउटडेटेड सी हो गए हैं और जो लुक है वो भी अब इस गाड़ी की थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। अगर आप इतना बजट लेके चल रहे हो मार्केट में तो मेरे हिसाब में तो जो आपकी फ्रोंक्स है डेल्टा प्लस वेरियंट उसी को ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि यार अब नहीं रही यार इस गाड़ी की वो बात जो पहले था ना इस गाड़ी का टोरा स्विफ्ट का, वो अब इस गाड़ी का नहीं रहा है। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।